लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल. ये क्या चीज है, अच्छे से पढ़ते हैं. देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है. डायग्राम देखो पहले, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है. ये सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, इट विल एमिट एनर्जी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो सब डायरेक्शन में अपनी लाइट एमिट करेगा, है कि नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक सोर्स ऑफ लाइट है ये सब डायरेक्शन में एनर्जी एमिट कर रहा है. हम लोग एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेंगे, जो भी डिस्टेंस आपको चाहिए, है कि नहीं. वो एक डिस्टेंस लेंगे और वहां से सारे पॉइंट्स अगर आपने कनेक्ट किए तो आपको एक प्रॉपर स्फीयर मिलेगा. क्यों, देखो ना, मतलब सामने, मेरे सामने एक लाइट का सोर्स है, सब जगह पे वो एनर्जी भेज रहा है, लाइट भेज रहा है. अगर एक पॉइंट कंसिडर करके अगर मैंने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा, है कि नहीं. ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट. अच्छे से देखेंगे, बेस्ट पॉसिबल वे में देखेंगे. सबसे पहले देखो, कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेट इन अ सेम फेज. एंड पॉइंट नंबर टू, द सोर्स वेन प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस मीडियम. सो अगर एक स्पेसिफिक टाइम अगर आप कंसिडर करते हो तो वो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे जाएगा एंड वो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे वो भी सेम फेज में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. और सारे पॉइंट्स को जब भी आप कनेक्ट करते हो तो वो चीज़ को बोला जाता है वेव फ्रंट. अभी आप बोलेंगे, अरे सर ये क्या बता दिया, ये तो कुछ समझा ही नहीं. मान लो मेरे पास पानी है सामने, पानी के ऊपर आप ऐसे पत्थर फेंक दो. तो पानी के ऊपर जैसे ही पत्थर फेंकते हो तो रिपेल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. वो चीज को आप टॉप व्यू से देखो, ऊपर से देखना स्टार्ट करो, आपको क्या लगेगा, ऐसे सर्कल्स बहुत सारे एक जगह से ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे हैं, है कि नहीं. अभी पहले तो पानी आपका स्टेबल था, राइट. अगर ये सेंटर है जहां पे आप पत्थर फेंकने वाले हो, यहां से कुछ दूरी पे मान लो ये कोई तो डिस्टेंस है, वहां पे भी आपके पास पार्टिकल्स है, लेकिन ये पार्टिकल्स पूरे ऐसे सर्कल में है क्योंकि हम लोग एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जैसे आप पत्थर मारते हो तो यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, है कि नहीं. लेकिन अगर मैं मान लो 5 सेकंड कंसिडर करता हूँ तो 5 सेकंड के बाद डिस्टर्बेंस मेरा ये पॉइंट तक पहुंचा. ये देखो, ये पॉइंट तक डिस्टर्बेंस पहुंचा, लेकिन ये डिस्टर्बेंस जो है वो पूरे सर्कल में फैलेगा. तो वो जो 5 सेकंड से, तो उतने टाइम में वो जो डिस्टर्बेंस है वो सब जगह पे गया. तो वेलोसिटी क्या होता है या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. तो अगर मैं एक टाइम कंसिडर करूं तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है. तो अगर वो पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जब तक वो डिस्टर्बेंस पहुंचा था, वो स्पेसिफिक 5 सेकंड अगर मैं कंसिडर करता हूं और उसका अगर आप सर्कल बनाओगे तो जो भी चीज हमें मिलेगी ना उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट. गॉट द एग्जांपल, अभी वापस पढ़ो. सो कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम. तो हम लोग एक मीडियम कंसिडर कर रहे थे, मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया वो क्या था, वाटर था, है ना. तो वाइब्रेशंस सेम फेज में थे, जितने भी सारे पार्टिकल्स थे वो सेम फेज में थे. अगर वो ऊपर जा रहे तो सारे एक साथ ऊपर जाएंगे, अगर वो नीचे जा रहे थे तो सारे एक साथ नीचे जाएंगे, है ना. तो क्रेस्ट वाले, अगर सारे क्रेस्ट वाले पार्टिकल्स है उसको कनेक्ट करोगे तो भी लोकस मिलेगा. ट्रफ वाले पार्टिकल्स कंसिडर करो तो उसको भी आपको वो कंटिन्यूस लोकस मिलेगा. सो यहाँ पे होमोजीनियस मीडियम अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, ये सोर्स से जो भी डिस्टर्बेंस जा रहा है वहां पे मीडियम होमोजीनियस बोला है. इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये बोर्ड है मेरे पास, बोर्ड का कोई भी पोर्शन अगर मैं थोड़ा सा कट करके निकाला ना और उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका साइज शेप सब जगह आपसे, मतलब लाइक उसका डेप्थ देखूंगा, लेंथ देखूंगा, या फिर उसका जो मटेरियल बनाया है अगर वो सब सेम है, सब कुछ परफेक्ट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, सेम टाइप ऑफ. तो जब हम वैक्यूम कंसिडर करते हैं तो है ना होमोजीनियस, कुछ भी नहीं है साइड में. या फिर अगर आप नेचुरल एयर देखते हो तो सब जगह पे अगर ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो सब जगह पे उतना ही ऑक्सीजन होगा, होमोजीनियस, ठीक है. तो ये उदाहरण था. तो एक डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वहां पे टाइम लग रहा है टी. एंड डी क्या है, ये एक डिस्टेंस है, लेकिन जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो वो टाइम पे फेज जो है वो सेम है. और वो सारे पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट. तो ये एक बेसिक आइडिया हो गई, मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया. अभी रिप्लेस करते हैं इसे लाइट सोर्स के साथ. मान लो मेरे पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स क्या करेगा, इट विल एमिट एनर्जी लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो सोर्स से एक स्पेसिफिक अंतर तक लाइट जो है वो सी के स्पीड से जा रही है कि नहीं. तो मेरे पास अभी क्या है, स्पीड है, अंतर है डिस्टेंस, और मेरे पास क्या है, टाइम, राइट. तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज सी इंटू टी. अगर वो डिस्टेंस है सारे अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक होमोजीनियस मीडियम में वो जो बॉडी मिलेगी तो वो क्या होगी, स्फीयर. क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, एक लाइट सोर्स यूज कर रहे हो जो एक पॉइंट सोर्स है या एक स्पेसिफिक लाइट सोर्स है जो सब डायरेक्शन में एनर्जी भेज रहा है. तो यहाँ पे मुझे जो भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास जो सोर्स है वो है पॉइंट सोर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज पॉइंट एस, पॉइंट सोर्स. सेकेंड, मान लो मेरे पास ऐसा एक सोर्स है,
ऐसा एक प्रॉपर लाइन के जैसा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी, अगर टॉप वाला पार्टिकल कंसिडर करते तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पॉइंट्स ऑन द पेन, या फिर ये लाइट सोर्स मेरे पास जो है ना, तो सारे जगह से लाइट एनर्जी सब जगह पे जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऊपर का पोर्शन कंसिडर करूँ और ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन लूँ और यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने डिस्टेंस डी कंसिडर किया और वहां से अगर एक वेव फ्रंट बनाया तो एक सर्कल बनेगा। लेकिन अगर ये पेन के ऊपर के सारे पार्टिकल्स अगर आप कंसिडर करते हो और उसको ज्वाइन करते हो तो टोटल आपको क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये एक सिलेंडर जैसा मुझे स्ट्रक्चर मिला और अगर मैंने ऊपर का पॉइंट सिर्फ कंसिडर किया होता तो यहाँ से भी लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से भी लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो केस है, जो मुझे सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ वेव फ्रंट मिल रहा है, इसको हम लोग जो सोर्स यूज करेंगे दैट इज अ लाइन सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स कौन सा है, लाइन सोर्स। मान लो मेरे पास लाइट का सोर्स बहुत दूर पे है और वहां से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता लाइट का सोर्स कहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइट रेज हम लोग कंसिडर करेंगे ना, वो पैरेलल रेज कंसिडर करेंगे। सपोज मेरे पास ये एक सोर्स है, यहां से पैरेलल लाइट रेज जा रहा है और ये स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अगर आपने सारे पॉइंट को कनेक्ट किया, सारे पॉइंट को कनेक्ट किया तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसको ही बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट। और यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे जो सोर्स है वो लार्ज डिस्टेंस पे होगा। सो सोर्स इज लोकेटेड एट अ लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट वेव फ्रंट।